Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 7, understanding fractions. In previous video, I had explained you exercise 7.4. In today's video, I am going to explain you again question 3 and 4 of same exercise, that is 7.4. So let's start. Your question 3 is, compare the following unlike fractions using greater than and less than symbol by converting them into like fractions. जो हमने बेटे first question किया था, उसमें हमने क्या किया था? हमारे पास like fractions दी गई थी. So like fraction का comparison हम directly कर लेते हैं. But this time जो आपके पास question है, इसमें आपको unlike fraction दी है. Unlike fraction means whose denominator are different. And what we have to do? We have to convert. हमें convert करना है इसको like fraction में. So, इसमें हम क्या करेंगे? Like fraction में जब भी हम convert करते हैं, denominators को हमें convert करना होता है, तो इसके लिए हम use करते हैं LCM method. कौन सा method use करते हैं? LCM. ठीक है? LCM means least common multiples. ठीक है? So, ये method अभी आपने factor and multiple वाले में भी सीखा था. अभी उसी का मैं आपको नेक्स्ट मेथड सिखा रही हूँ. एलसीएम में एक और मेथड होता है. अभी तक जो आपने सीखा था वो था सिंपली मल्टीपल्स लिखे और फिर कॉमन निकालकर एलसीएम निकाल दिया. हम उससे थोड़ा शॉर्ट मेथड सीखेंगे एलसीएम का. ठीक है. सो इसमें क्या करना है, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं हमें डिनोमिनेटर्स ही लेने होते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने. सो वी विल टेक 3 एंड 4. 3 एंड 4 आपका डिनोमिनेटर है ना, तो एलसीएम 3 एंड 4 का ही निकालेंगे. ठीक है, यू विल ड्रॉ लाइक दिस. इसका मतलब क्या होता है, आप इसको डिवाइड ही कर रहे हो. अब प्राइम नंबर्स हम लेंगे 3. 3 इज अ प्राइम नंबर. 3 की टेबल में 3 कहां पर आता है? 1 टाइम पर. सो यू विल राइट 1, उसके बाद कॉमा. अब 3 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो जो नहीं आता है वो नंबर एज इट इज लिखना है. ठीक है, वैसे का वैसे ही लिखना है. उसके बाद 4 किससे डिवाइड हो सकता है? स्मॉलर प्राइम नंबर 2 है, सो 2 से. ठीक है, जो 1 आ गया वो 1 एज इट इज लिखते जाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना. 2 की टेबल में 4 कहां पर आता है? 2 टाइम्स पर, तो 2 लिख दिया मैंने. अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 एज इट इज. 2 की टेबल में 2 कहां पर आता है? 1. अब ये दोनों 1 हो गए, सो इट मींस आपका एलसीएम फिनिश हो गया. अब हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम इक्वल्स टू ये जो नंबर्स हैं आपके पास, ये जो फैक्टर साइन है, ये आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, सो 3 टूज आर 6, देन 6 टूज आर 12, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया? 12. ठीक है, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे. तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 हमारे पास आ गया 12. नेक्स्ट स्टेप, आपको फर्स्ट फ्रैक्शन लेनी है 2/3, थोड़ा सा गैप छोड़ना है और जो हमारा एलसीएम है वो उसके सामने लिख देना है. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बन जाए? 3 4 से. सेम अगर यहां 4 से किया है तो अपर पार्ट भी 4 से होगा. ठीक है, सो 2 4 8 हो गया. नेक्स्ट फ्रैक्शन ली 1/4, फिर से गैप छोड़ देना है और सामने एलसीएम लिख देना है. अगेन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? 4 3 जा, तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा. अब आपके पास देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 12, बट न्यूमरेटर अलग है. सो हम कंपैरिजन का साइन पुट करेंगे. सो हम फ्रैक्शन लिखेंगे 2/3 और दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4. अब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन का आंसर क्या था? 8 इसका, और दूसरी का आंसर है 3. सो 8 ग्रेटर होता है या 3? दिस वन. सो हमारा सिंबल आ जाएगा लाइक दिस. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल, सॉरी एक और पार्ट आपको डी पार्ट समझा रही हूं. ध्यान से देखना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? एलसीएम. सो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 10. एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं, और हम डिनोमिनेटर का एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं. सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस 5 एंड 10. अब
डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े थे, 5 किसके टेबल में आता है, 5 की टेबल में ही आ सकता है और प्राइम नंबर भी है, सो 5 1 5 कॉमा पुट किया, 5 की टेबल में 10 भी आता है तो आप डिवाइड कर सकते हो, 5 की टेबल में 10 कहां पर आया, 2 टाइम्स पर। नेक्स्ट 2 इज अ प्राइम नंबर, मींस 2 से ही डिवाइड होगा, सो ये 1 एज इट इज और 2 1 2। एलसीएम खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, सो 5 2 10, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट फ्रैक्शन लेनी आपको 2/5 ली, थोड़ा गैप छोड़ना है और सामने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखना है। अब हम इक्विवेलेंट बनाएंगे, आपको पता है ना मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मीन्स हम उसको इक्वल कर रहे हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाए, 2 टाइम्स, तो इट मीन्स न्यूमरेटर में भी हम यहां पर 2 लिखेंगे, सो 2 2 4। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 3/10, गैप छोड़ा सामने 10 लिख दिया, ये 10 कौन सा है आपका, एलसीएम का। अब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाए, 1 से, तो इट मीन्स न्यूमरेटर भी आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 1 3। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन में मेरे पास 4 है और यहां पर 3 है, सो ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी हुई मेरी, 2/5, सो यू विल पुट द सिंबल लाइक दिस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड हमने क्यों लिया है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बाकी जो 2 पार्ट्स बचे हैं वो कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने प्रीवियस वीडियोस में भी अंडरस्टैंड मैंने आपको करवाया था, समझाया था। ठीक है, सो सेम मेथड हम यूज करेंगे, मेथड दिया है तो मेथड के अकॉर्डिंग ही करना है, 3/8 and 4/7, सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल ड्रॉ लाइक दिस, देन 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 multiplied by 7, सो इट इज 21, नेक्स्ट 8 multiplied by 4, इट इज 8 4s are 32, सो 3 multiplied by 7 means 21 आपका ये आंसर है, 8 multiplied by 4 32, सो हमारी फ्रैक्शन कौन सी ग्रेटर हुई, 21 बड़ा होता है या 32, 32 होता है, इट मीन्स यू विल पुट सिंबल लाइक दिस। ओके, कम टू द डी पार्ट, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन राइट लाइक दिस, 5/8 2/3, ड्रॉ द एरोस, देन 5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, 5 into 3 is 15, देन 8 multiplied by 2 is 16, सो 15 आंसर आपका इसका है और नेक्स्ट 8 2 मीन्स दिस इज योर 16, सो विच वन इज ग्रेटर, 15 or 16, ये ग्रेटर है ना 2/3, अगेन यू विल पुट द सिंबल लाइक दिस। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप इसके रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, सो योर क्वेश्चन 5 इज कंपेयर द फॉलोइंग यूनिट फ्रैक्शंस। अब हमें कंपेयर करना है, अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, सो यूनिट फ्रैक्शन में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसके लिए बेटे आपको पहले मैं एक इंपॉर्टेंट थिंग बता रही हूँ जो आपको माइंड में रखनी है, विदाउट एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई यूज किए हम ओनली जो यूनिट फ्रैक्शंस होती है उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, दैट इज इन यूनिट फ्रैक्शंस द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द बिगर इज द फ्रैक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी आपके पास यूनिट फ्रैक्शन आते हैं, यूनिट फ्रैक्शन मीन्स जिसमें हमारा न्यूमरेटर 1 होता है, तो ऐसी फ्रैक्शंस में, ऐसी यूनिट फ्रैक्शंस में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर मीन्स जितना छोटा हमारा डिनोमिनेटर होगा द बिगर इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती है। इसके लिए हमें एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करने की नीड नहीं होती। दोबारा बता रही हूँ, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, जितना छोटा हमारा डिनोमिनेटर होगा द बिगर इज द फ्रैक्शन, उतनी ही बड़ी हमारी फ्रैक्शन होती है। सो इसको अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, योर ए पार्ट इज 1/7 and 1/4, सो दोनों में स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, 4, सो फर्स्ट द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, द बिगर इज द फ्रैक्शन, तो मीन्स हमारी ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ी है, सो हम सिंबल कौन सा पुट करेंगे, लाइक दिस। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक भी कर सकते हो, आपको ये पार्ट में चेक करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो।
वन बाय सेवन, वन बाय फोर. सो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया लाइक दिस, वन फोर सर फोर, वन सेवन सर सेवन. सो ग्रेटर कौन सी आई, वन बाय फोर. ठीक है, सो मतलब हमारा आंसर सेम आ रहा है. सो इट मीन्स विदाउट यूजिंग दिस मेथड वी कैन सॉल्व, वी कैन कंपेयर द यूनिट फ्रैक्शन. ओके, सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, स्मॉलर द डिनोमिनेटर. सो दोनों में स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, दिस वन. और इट मीन्स डिनोमिनेटर ये छोटा है तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होगी, यही बड़ी होगी. सो वी विल पुट द सिंबल लाइक दिस. ठीक है, सो इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन फाइव के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.